नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, ना जाने अब मिलेंगे हम। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेरी वेल, हैप्पी हो, हेल्दी हो, खुश हो। वैसे तो हैप्पी और खुश एक ही होता है, पर एक्स्ट्रा बोलने की आदत है, मैं क्या करूँ। तो आज का ब्लॉग रहेगा कि हाउ आई विल स्पेंड माई डे अलोन, मैं अकेले कैसे अपना दिन निकालती हूँ। एक्चुअली मैं अकेले हमेशा, मतलब डेली रहती हूँ अगर केशु नहीं होती तो दिन में, बट आज थोड़ा ट्विस्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मेरे साथ बने रहना। मतलब मैं अकेली हूँ तो कम से कम साथ साथ आप रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो तक को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि अगर आप घर पे अकेले रहते हो तो मैं बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ। जो कपार्ट्स, इस ब्लॉग को इसी के साथ शुरू करते हैं, तो लेट्स बिगिन। बहुत लेट उठी थी आज, तो मैंने ब्रेकफास्ट ऑफिस के साथ साथ ही किया, वरना मैं उससे पहले कर लेती हूँ ताकि अच्छे से मज़े से ब्रेकफास्ट हो सके। और मेरे को टेबल कुर्सी पे काम करने की आदत नहीं है, तो मैं ऐसे ही उठते बैठते काम करती रहती हूँ पूरे दिन, आप खुद ही देख के समझ रहे होंगे। और मैं बीच बीच में बहुत पानी पीती हूँ। एक और टिप देती हूँ, अगर आप घर पर अकेले हैं तो भूत वाले सीरियल बिल्कुल भी मत देखना। मैं वेब सीरीज़ देख रही थी, मुझे नहीं पता था, मैंने तुरंत से टी वी बंद कर दी ऐसा सीन आया तो, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकती वरना। फिर नहाया और नहा के अच्छे से रेडी हो जाना मेरी डेली की आदत है, क्योंकि वैसे में फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं छत पे चली जाती हूँ विटामिन डी लेने, वो भी बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे बैठ के मैं पानी पीती हूँ। पानी तो मैं दिन भर में 4 से 5 लीटर पूरा करती हूँ, अगर घर पर होती हो तो आप भी पिया कीजिए। इससे क्या होता है, आपकी पानी की कमी भी नहीं होती और अच्छा भी लगता है, पूरे दिन काम करने की ताकत होती है। मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है, मम्मी इतना अच्छा बनाती है। मेरा फेवरेट लंच करने के बाद मैंने देखा मम्मी मीठे में खीर बना के गई हैं, तो मैंने वो खाई, फिर से ऑफिस का काम किया। ऐसे ऐसे मेरे को बच गए 5, पूरा दिन तो यूं निकल गया। अब शाम को जब आप फ्री होते हैं तो आप कुछ अपने मन पसंद का बना के खा सकते हैं, जिससे पेट भी खुश रहेगा और आपका टाइम भी निकल जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मोमोज बनाए जाएँ, तो मैं यहाँ उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कैरेट लिए, पत्ता गोभी लिया, प्याज ली सब्जी के लिए, तो इसको छोटा छोटा हल्का हल्का कट कर लिया। और पत्ता गोभी के जो ऊपर वाले पत्ते थे वो मैंने निकाल के रख लिए, वो आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों। ये देखिए हमारी सब्जियां कट के रेडी हो गई, और हरी मिर्ची भी है इसमें। फिर लिया मैंने मैदा, अपने अकॉर्डिंग लेना है आपको, मैं अकेली थी तो मैंने इतना ही लिया। इसमें डाला नमक और डाला ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला और अच्छे से इसको गूँथ लिया। आप मैदे को जितना दुमड़ेंगे, मतलब मिलाएंगे, ये उतना सॉफ्ट होगा और अच्छा बनेगा। अभी फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने डाला ऑयल कढ़ाई में, उसमें अदरक और हरी मिर्ची, जब ये हल्की सी हो जाए तो डाल दी प्याज, प्याज हल्की सी ब्राउन होती है तो डाल दिया मैंने गाजर, और गाजर और प्याज को होने दिया। उसके बाद लास्ट में मैंने डाला पत्ता गोभी, और इन सबको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया, और साइड में इसको मिलाती भी रही, और साइड में मैंने मैदे की लोइयाँ काटना शुरू करी और पूरी की तरह इसको बेला। आप मैदे को जितना पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा पकेगा, क्योंकि वरना मैदा कच्चा रह जाता है। आप जितना पतला बनाएंगे उतना टेस्टी लगता है। और साइड में मैंने छन्नी ली पोहे वाली, उस पर ऑयल लगाया, भंगोनी में रखा पानी और इसको ढक दिया। तब तक पानी गर्म हो रहा है, हमारी फिलिंग रेडी होगी। फिलिंग मतलब वो जो सब्जी बन रही है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च डाला और एक्स्ट्रा कुछ भी मसाला नहीं। मैंने ये जो पत्ता गोभी बचा के रखा था, धुल के रखा था, उसको ऐसे बिछा दिया है ताकि, मतलब ऐसा केशु बोलती है कि मोमोज के अंदर पानी नहीं जाता अगर ऐसा रखते हैं तो मैंने अपनी शक्ल बहुत देर बाद दिखाई है आपको, पूरा दिन निकल गया। मैंने कहा अभी देखो, मेरे को ना ऑफिस का इतना काम था कि मैंने वो निपटाया, ऐसे ऐसे मेरे को 5 बज गए। उसके बाद मैं फिर पापा मम्मी को जाना था स्कूल से, मम्मी ऑफिस से पापा, मतलब जो भी है, दोनों आए तो वो लोग निकल गए, उनको सी ऑफ किया। उसके बाद मैंने मोमोज बनाने थे, तो जो जो सामान, वैसे मोमोज का सामान था ऑलमोस्ट, सिर्फ ये पत्ता गोभी नहीं था, तो मैंने पापा से ये मंगा लिया। और अभी लेट्स सी, मेरा फर्स्ट टाइम है मैंने मैदा को पहली बार गूंथा, पर ये माय गॉड सॉरी, तो ये गूंथ गया अच्छे से, और ये यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई।
जब ये मन की रेडियो आइस को ठंडा करने दिया और धनिया पत्ती मिला दी लास्ट में, और जो मैंने बेल के रखी थी पूड़ियाँ काइंड ऑफ, उसमें ये मैंने फिलिंग करना चालू किया। और चिपकाने के लिए आप पानी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं यूज़ किया, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2-3 तरीके के मोमोज बनाए हैं। ये राउंड राउंड वाले तो मेरे अच्छे इतने नहीं बन रहे थे, पर ये जो गुजिया वाला शेप है ना, मतलब इतना मस्त बन रहा था ना, आप देखो मैंने कैसा बनाया है। गाइज यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी हम इसको रखना चालू करते हैं। मेरे मोमोज बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेट्स सी इनका टेस्ट कैसा होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे सबको। आउच, ठीक है। और क्या करना है, इससे ढक देते हैं, ठीक है, इनको बनने देती हूँ। और साथ साथ में अभी अपन बनाएंगे मोमोज वाली चटनी। तो उसके लिए गाइस मुझे जितना ध्यान है उस हिसाब से केशु पता क्या करती थी, ये जो रेड कलर के टोमेटो लेने हैं अपने को, और इसको पानी में उबालना है, इसके जो छिलके हैं ना ये निकालने के लिए। तो मैं ट्राई करती हूँ, अपने पास पानी जब ऑलरेडी गर्म है तो काय को गर्म करो। मैं क्या कर रही हूँ, दोनों टमाटर को इसमें डाल देती हूँ, इसको उबलने दूंगी, और साथ साथ में हमारे मोमोज भी बनेंगे। देख रहे हो आप मल्टीटास्क। और मैंने ये भी चेक कर लिया है कि ये तैयार हो रहे हैं या नहीं, तो दे आर डूइंग गुड, मतलब पक रहे हैं। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, देख रहे हो आप इनमें आ रहा है, मतलब ऐसे कि हाँ ये पक रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है। तो इनको साथ साथ में पकने देते हैं, फिर से ढक देते हैं। नीचे टमाटर हो रहे हैं चटनी के लिए, टमाटर हो गए हैं, बहुत ही बुरी तरह निकल रहे हैं। मैंने बुरा तो बोला पर ये बुरे नहीं थे, अच्छे से पक गए थे। इनको थोड़ा ठंडा होने देना वरना हाथ जल जाएगा, मेरे हाथों में जलन होने लग गई थी। मैंने गरम गरम ही इनको छील लिया, इनका छिलका निकाला, फिर कट करके जार में डाला, और इसमें मैंने डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च बहुत सारी ताकि ये रेड कलर आ जाए, और नमक, जीरा पाउडर, और जो सिंपल अच्छी तीखी वाली लाल मिर्च होती है ना वो वाली भी डाल दी, और इसको पीस लिया। ये काफ़ी यमी, क्विक, और मुझे तो इतनी मस्त लगी ना, बहुत अच्छी लगी। तो ये बन के रेडी हुई, मोमोज रेडी हो रहे थे, मैंने जब तक सफाई भी कर दी। मैं क्या करती हूँ कि जब क्या बोलते हैं, मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं सफाई खुद से कर देती हूँ, वरना मम्मी का काम बढ़ जाता है। तो वो कहती हैं कि तुम किचन में आया ही मत करो, खत्म करके फिर यहाँ से निकल, ओह शिट, फिर यहाँ से निकलती हूँ। तो मेरे मोमोज जब तक पक रहे हैं मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बहुत थक गई मैं मोमोज बनाते बनाते, इट्स नॉट ईजी, पता नहीं, पर ठीक है, चलो शायद अच्छे बन रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, होप है मुझे कि अच्छे बन रहे हैं। और आज मैं दिन भर से अपने कमरे में अभी आई हूँ, सोचो हो, चलो रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। ओ मेरे साजना वे डोला मेरे, आंखों में देखो मेरी दिल की कहो, ओ मेरे साजना। गाइज मैंने पता नहीं कितने दिनों से मोमोज नहीं खाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रॉपर मोमोज मिलते नहीं हैं, मिलते हैं पर इतने अच्छे नहीं लगते। काश मैं आप लोगों को खिला सकती तो आप भी कहते वाह अंजलि वाह, मज़ा आ गया। पर बनाना ज़रूर, रेसिपी देख के ना बनाना, चटनी इतनी ईजी है आपने खुद देखा, और मतलब बहुत मज़ेदार, वाह। एकादशी का दिन था तो मम्मी कह के गई थी संजा लगा देना, तो मैंने बाहर दीपक रख दिए। आंटी के घर से एज यूजुअल प्रसाद आता है हर फेस्टिवल पे, बढ़िया मस्त सा डब्बा, तो मैंने ये खाया। और ऐसे ऐसे शाम क्या रात हो गई, बिग बॉस देखना चालू किया मैंने। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन बिग बॉस देखता है। यहाँ ये मेरा फेवरेट समय होता है पूरे दिन का, क्योंकि यहाँ मैं खुद के लिए समय निकालती हूँ, खुद से बातें करती हूँ, और जो भी दिल करता है बस डायरी पर लिख देती हूँ। यहाँ ना कोई टोकने वाला होता है ना कोई रोकने वाला होता है। ये नहीं बताऊँगी मैंने यहाँ पर क्या
डाल लिखा क्योंकि ये मेरी दिल की बातें हैं। और ये करने के बाद मैं फिर उहू के साथ बैठती हूँ और खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत खुश करेगा, कभी ऐसा करके देखना अगर नहीं करते हैं तो। फिर मेरे सोने का समय जब होता है तो मैं भगवान से थैंक यू बोलती हूँ, उनको शुक्राना करती हूँ कि भगवान जो भी कुछ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो कुछ भी है मेरे पास, और मैंने किसी को हर्ट किया हो तो उसके लिए सॉरी। Another morning, another story, पर still मैं अकेली हूँ। सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए, दूध आया तो दूध को गर्म किया और यहीं पे मैंने अपना गर्म पानी किया। यहाँ मैं नहा चुकी थी, मैंने आज सबसे पहले नहा लिया था, फिर गर्म पानी पिया और यहीं पे बैठे बैठे मैंने विटामिन डी भी ले ली। मुझे सूरज की धूप लेना नहा के बहुत पसंद है जैसे आपने पिछले दिन में भी देखा। तो यहाँ मैं पानी भी पी रही हूँ और खाना भी साथ साथ में बना रही हूँ। दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाई और आटा गूंथा। मैंने कहा मम्मी आए उससे पहले अपना काम सारा ख़त्म करके रख दो, वरना उन्हें हड़बड़ी में सारा काम करना पड़ता है और वो थक जाती हैं। तो मैंने आज सबसे पहले नहा के किचन का काम ख़त्म किया मेरे ऑफिस शुरू होने से पहले। नहीं, मेरा ऑफिस नहीं था, सैटरडे था उस दिन। तो ये देखिए मैंने सारी रोटियां बना के रख दी, किचन भी साफ़ कर ली। मम्मी कहती है ना फैलाना सबसे बुरा काम होता है, तो मैं जो भी काम करती हूँ सबसे पहले सफाई करके रखती हूँ। फिर मैंने एक्सरसाइज की सबसे लास्ट में, इसीलिए क्योंकि पहले करती तो मैं थक जाती और काम नहीं कर पाती। तो मैंने कहा चलो आज पहले किचन का काम फिर एक्सरसाइज, तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। सो गाइज, आपसे मिलने बहुत देर बाद आई हूँ। यही बताने आई थी कि 9 बजे मम्मी पापा आ गए थे, उसके पहले मैंने सारा काम कर लिया था। अभी मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अभी मैं वापस अपने कंबल पे आ गई क्योंकि वही साइकिल रिपीट हो रही है, वो दोनों फिर से चले गए। मेरी आज छुट्टी है तो मैं करूँगी रेस्ट। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना, जहां भी जाओ मस्त मौला रहना। एक ही जिंदगी है और क्या करने का है। इसी के साथ गाइज बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग।